+251+60+62+254 या फिर +84। दोस्तों अगर आप लोगों के व्हाट्सएप पर भी ऐसे किसी नंबर से वॉइस कॉल या मैसेजेस आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आप भी किसी स्कैम का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, हाल ही में कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां इंटरनेशनल नंबरों से लोगों के व्हाट्सएप पर कॉल आता है और उन्हें अपने स्कैम में फंसा लिया जाता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप ऐसे किसी ठगी से बचें तो उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम इसी बारे में पड़ताल करने जा रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इनसे बचा जाए। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी पहले ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें। दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 30 करोड़ लोग फिशिंग यानी कि साइबर अटैक के विक्टिम होते हैं, जिसमें से करीब 5 लाख लोग इन स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं और इस तरह के फ्रॉड के लिए हमेशा नए नए पैंतरे आजमाए जाते हैं। और इस बार स्कैमर्स ने व्हाट्सएप का रास्ता अपनाया है। जी हाँ, वही व्हाट्सएप जो हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। आज हर घर और यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑफिस में भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ा टूल हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप अब हैकर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है? आज हम ऐसी ही एक स्कैम के बारे में बात करने जा रहे हैं। बता दें कि भारत में पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि कई व्हाट्सएप यूजर्स के पास अनजान इंटरनेशनल नंबर से मिस्ड कॉल आ रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये कॉल्स आ कहां से रहे हैं? तो आपको बता दें कि ये कॉल ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्म में किए जा रहे हैं। ISD कोड्स के अनुसार अगर हम इन नंबर्स पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि ये कॉल ज्यादातर +251 जो कि इथियोपिया का नंबर है, +60 यानी कि मलेशिया, +62 इंडोनेशिया, +254 केनिया और +84 यानी कि वियतनाम के नंबर कोड से आ रही है। लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि जरूरी नहीं है कि ये कॉल्स इंटरनेशनल ही हो, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इन इंटरनेशनल नंबर्स को भारत में ही बेच दिया जाता है। अब क्योंकि ये कॉल्स व्हाट्सएप से हो रही हैं, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ये कॉल कहां से आ रही हैं। यानी कि हो सकता है कि आपके बगल के घर में बैठकर ये कॉल्स आपको कर रहा हो कोई और आपका फोन इंटरनेशनल नंबर शो कर रहा है, इसलिए सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये कॉल्स कहां से आ रही हैं और इनका क्या मकसद है। वैसे इसके पीछे एक और वजह व्हाट्सएप खुद ही है, क्योंकि व्हाट्सएप की चैट और कॉल्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि उन्हें आपके और सामने वाले इंसान के अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता है, ना ही गवर्नमेंट और ना ही व्हाट्सएप की खुद की टीम। अभी सेफ्टी और प्राइवेसी के हिसाब से तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसी लूप होल की वजह से यहाँ इन मैसेजेस को ट्रैक करना भी थोड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन फिलहाल ये कॉल करने वाला कौन है और इनका एजेंडा क्या है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि शायद ये स्कैमर्स आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने की ताक में बैठे हों, जिससे आगे वो आपके बैंक अकाउंट को भी एक्सेस कर पाए। हालांकि व्हाट्सएप ने इस तरह के कॉल से बचने का तरीका बताया है और यूजर्स को अकाउंट को ब्लॉक करने और रिपोर्ट करने की सलाह दी है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि क्योंकि इसको लेकर व्हाट्सएप का कहना है कि हम एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस के साथ व्हाट्सएप स्कैम को रोकने में सबसे आगे है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में हमने कई यूजफुल फीचर्स में इन्वेस्ट किया है और इसके अलावा यूजर्स अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किए हैं जो यूजर्स को सुरक्षित रहने के लिए एम्पावर बनाते हैं। इसके आगे उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अगर यूजर्स को किसी अननोन इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फोन नंबरों से कॉल आती है तो उसे ब्लॉक करें और रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसी ही एक और तरीके की ठगी पिछले कुछ समय से व्हाट्सएप पर नोटिस की जा रही है। दोस्तों इसमें आपके दोस्त ही आपके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, इस स्कैम के स्कैमर सबसे पहले आपको आपके किसी दोस्त के नाम से एक मैसेज भेजते हैं जिसमें वो कहता है कि आपका दोस्त मुसीबत में है, और कई बार ये हैकर्स आपको आपके दोस्त के नंबर से ही मैसेज भेज सकता है। ये ठग आपके दोस्त की फोटो को DP लगाकर आपको गुमराह करते हैं। इसके बाद जैसे ही आप उससे बात करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हैकर आपको मैसेज भेजकर OTP मांगने लगेगा। हैकर आपसे ये बोलेगा कि उसने आपके नंबर पर गलती से मैसेज भेज दिया है, कृपया उसे फॉरवर्ड कर दें। लेकिन सच्चाई ये होती है कि OTP के जरिए हैकर्स आपके अकाउंट को हैक करना चाहता है। इसके बाद जैसे ही आप ये OTP उसे बताते हैं, वैसे ही आपके नंबर से हैकर के फोन में आपका व्हाट्सएप चालू हो जाता है। अब हैकर आपके नंबर से आपके दोस्तों और परिवार वालों को मैसेज भेजकर उनसे पैसे मंगवाने और ब्लैकमेल करके उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आप ऐसे स्कैम से कैसे बचें। तो इस तरह के स्कैम से बचने का सही रास्ता है दोस्तों, किसी के साथ OTP शेयर ना करें और व्हाट्सएप में 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दें। इसके बाद OTP के अलावा भी एक कोड की जरूरत होगी जो कि सिर्फ आपके पास ही होगा। इसके अलावा किसी से भी व्हाट्सएप पर पैसे भेजने या कोई जरूरी जानकारी शेयर करने से पहले उसके नंबर को वेरीफाई जरूर करें। अगर नंबर आपको याद नहीं है तो पुरानी चैट जरूर चेक कर लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो असल में आपका जानने वाला ही है या कोई ठग आपको चूना लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन OTP शेयर करने की गलती किसी भी कीमत पर ना करें। एक और तरीके के स्कैम्स हाल ही में नोटिस किए गए हैं।
स्कैमर्स इसके लिए फर्जी व्हाट्सएप आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दे रहे हैं। कई बार स्कैमर्स व्हाट्सएप सपोर्ट अकाउंट की आड़ में फर्जीवाड़ा करते हैं। अब स्कैमर्स गिफ्ट कार्ड के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। दरअसल ये स्कैमर पहले फर्जी मैसेज भेजते हैं और फिर गिफ्ट वाउचर के नाम पर लोगों को झांसे में लेते हैं। व्हाट्सएप यूजर जैसे ही अपनी जानकारी उसके साथ शेयर करते हैं, ठग उनका अकाउंट खाली कर देते हैं। वहीं अगर आप भी ऐसे स्कैम से बचना चाहते हैं तो इन टिप्स की मदद से आप आसानी से असली और नकली व्हाट्सएप अकाउंट की पहचान कर सकेंगे। कैसे पहचाने नंबर असली है या फेक? दोस्तों, अगर कोई आपको किसी ऐसे अनजान नंबर से चैट करता है जिसे आप जानते हैं, तो यह एक स्कैम हो सकता है। सबसे पहले कंट्री कोड और नंबर चेक करें। अगर आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं और वह कहता है कि वह भारत से है लेकिन उसका फोन नंबर किसी दूसरे देश का है, तो जरूरी है कि आप सावधान हो जाइए। दरअसल कई बार स्कैम के लिए स्पूफ नंबर से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया जाता है, इसलिए यदि आपको अचानक किसी अजीब नंबर से मैसेज प्राप्त होता है तो सावधान रहें। यह एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट हो सकता है। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपको मिला मैसेज फॉरवर्ड वाला है। ज्यादातर व्हाट्सएप यूजर्स को यह बात पता होती है कि मैसेज फॉरवर्ड वाला है कि नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मैसेज के नीचे ग्रे कलर में लिखी अगर मैसेज फॉरवर्ड है तो बहुत पॉसिबल है कि वह मैसेज कई और लोगों को भेजा गया होगा। यहाँ स्कैम होने के चांसेस हो सकते हैं, तो आप उस अकाउंट को तुरंत ब्लॉक कर दें। इसके अलावा आप वेरीफाइड अकाउंट चेक कर सकते हैं। कई बार हमें फ्लिपकार्ट, पेटीएम या बैंक से संबंधित अकाउंट से भी अलर्ट मिलते हैं। ऐसे में अगर यह मैसेज वेरीफाइड अकाउंट से आया है तो उनके अकाउंट में ब्लू चेक मार्क होता है। जी हाँ, कई बार स्कैमर्स फेक चेक मार्क का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में आपको अकाउंट का ठीक जांच करनी चाहिए। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर ऐसी गलतियों से बचें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय दोस्तों किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी बैंकिंग डिटेल्स, ओटीपी व एटीएम का पासवर्ड शेयर ना करें। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी नेट बैंकिंग या अन्य बैंक रिलेटेड पासवर्ड शेयर ना करें। किसी भी फ्री गिफ्ट के लालच में आकर पेमेंट ना करें। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति को टीम व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस ऐप का कंट्रोल ना दें। साथ ही किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अननोन मैसेज में आए अटैचमेंट या लिंक को भी क्लिक ना करें। चलिए अब आपको व्हाट्सएप नंबर को ब्लॉक करने का तरीका भी बता देते हैं। व्हाट्सएप पर किसी नंबर को ब्लॉक करने के लिए यूजर्स को सबसे पहले कॉन्टैक्ट के साथ चैट अपनी करनी है। इसके बाद कॉल ऑप्शन के आगे तीन डॉट्स पर टैप करें। अब यहां से मोर पर टैप, यहां आपको रिपोर्ट और ब्लॉक का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहां से नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद उस नंबर से आपको कॉल या मैसेज नहीं आएंगे। साथ ही आपका लास्ट सीन ऑनलाइन स्टेटस, आपका अपडेट भी उस नंबर को दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा आप प्राइवेसी कंट्रोल की भी मदद ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यूजर्स को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऐप के प्राइवेसी कंट्रोल का इस्तेमाल करें और अपने अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को केवल अपने कॉन्टैक्ट तक ही सीमित रखें। इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ट्रूकॉलर जल्द ही व्हाट्सएप पर अपनी कॉलर आइडेंटिफिकेशन सर्विस अवेलेबल करना शुरू करने वाला है। इस सर्विस से यूजर्स को इंटरनेट पर पोटेंशियल स्पैम कॉल्स का पता लगने में मदद मिल सकेगी। इसके मदद से यूजर्स को कॉलर आइडेंटिफिकेशन सर्विस का सपोर्ट मिलेगा और पहले से ही वह फ्रॉड कॉल, स्पैम कॉल या मैसेज से सावधान हो सकेंगे। ट्रूकॉलर के को-फाउंडर और सीईओ एलन मोमेडी ने कहा है कि यह सुविधा अभी बीटा फेज में है और मई के एंड में ग्लोबल स्केल पर शुरू हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।